नमस्कार फ्रेंड्स, झारखंड में विधानसभा के चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है और इसकी तैयारी सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर करना शुरू कर दिया है और डे टू डे मीटिंग्स और वन टू वन किए जा रहे हैं। आज पश्चिमी सिंहभूम से पूर्व डीआईजी राजीव रंजन प्रसाद ने भी अपनी दावेदारी ठोकी और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और देश की सेवा करूंगा। मौका था बस्ती यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट के आगाज का और उसी दरमियान उन्होंने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर अपनी बातें कही। आइए सुनते हैं उनकी बातें। सर, बस्ती यूथ प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि खासकर जमशेदपुर और झारखंड को कहा जाता है कि खेल की राजधानी है और यहां से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं, लेकिन आपने जो प्लेयर्स को चुनने का जगह चुना है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मोटो है इस बस्ती यूथ प्रीमियर लीग का जो आप लोगों में मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे दिमाग में ये आया कि हम लोगों का एनजीओ बिरसा युवा मंच जो एनजीओ है, तो इसके तहत क्यों नहीं वैसे युवाओं को चिन्हित किया जाए जो बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि एक साल पश्चिमी विधानसभा में मेरे द्वारा जो लगातार कार्य किया गया, इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि अगर पश्चिमी विधानसभा में कार्य करने का कहीं जगह है तो बस्ती ही है। बस्ती में युवाओं के बीच में कार्य करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अपार्टमेंट में रहने वाले और कैजर बंगले में रहने वाले लोग तो ऐसे ही सक्षम हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा। तो ये भावना थी मेरी। दूसरा, इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ है कि बस्ती के जो यूथ हैं उनमें नशा की प्रवृत्ति को रोका जाए, क्योंकि एज ए डीआईजी मैंने इस रेंज में काम किया है तो मैंने देखा है कि काफ़ी युवा नशा के शिकार हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किए हैं। तो युवाओं में खेल की जब प्रवृत्ति आएगी तो निश्चित रूप से बुरी आदतें दूर होगी। खेल भी एक नशा है, जैसे मॉर्निंग वॉक एक नशा है। आप मॉर्निंग वॉक में जब जाना शुरू कर देते हैं तो जिस दिन नहीं जाते आपको लगता है कि मॉर्निंग वॉक में नहीं गए हैं तो आई एम मिसिंग समथिंग। सिमिलरली खेल भी एक नशा है और जो खेलेगा वो नशा नहीं करेगा। तो एक मेरा ये प्रवृत्ति मेरे अंदर में, एक स्वार्थ कहिए इसको, मेरा स्वार्थ यही है कि युवाओं को सही दिशा दिया जाए, युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और युवाओं को काबिल बनाया जाए। जी सर, 12 से 14 जुलाई ये डेट है और अब झारखंड का चुनाव भी नज़दीक है, तो यहाँ जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो तुरंत उसको राजनीति से जोड़ कर देखा जाता है, तो क्या समाज को जागृत करने का, युवाओं को जागृत करने का क्या एक ऐसा एक पहलू है जो आपने बस्ती यूथ प्रीमियर लीग को लेकर के अपने काम को शुरुआत किया है? बिल्कुल, इसका उद्देश्य है युवाओं को जागृत करना। और अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई काम करेगा तो लोग उसको कहेंगे कि राजनीति है, लेकिन और भी जिनको काम करना है उनके लिए फील्ड खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को रोके हैं या किसी को मना किया गया है कि आप बस्ती के यूथ के लिए काम मत कीजिए। सबको काम करने का अवसर है, सब कोई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी करेंगे तो हमें खुशी होगी कि बस्ती के युवाओं के लिए अगर कोई भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है तो हम समझते हैं कि ये बड़ा मन को सुकून देने वाला काम होगा और सबको आगे आना चाहिए और करना चाहिए। सर, ये बहुत बड़ा विषय लेकर आप चले हैं सर। अब थोड़ा राजनीति की बात करें तो पश्चिमी जमशेदपुर या पश्चिमी सिंहभूम की जो चुनाव होने वाली है, पूर्वी सिंहभूम, जो विधानसभा के चुनाव झारखंड में होंगे, तो उसको लेकर के आपकी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, तो क्या इस बार माना जाए कि राजीव रंजन सिंह, जो कि पूर्व डीआईजी हैं और समाज से हमेशा जुड़े रहे और समाज को निर्भीक होकर सेवा करते रहे, क्या इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र से वो चाहते हैं क्या कैंडिडेट बनाएगी या उसकी तैयारी उनके पास है, क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, तैयारी तो हम बिल्कुल 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले से कर रहे हैं और ज्वाइन करने के समय भी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को ये बात बता के ज्वाइन किए थे कि मैं पश्चिमी सिंहभूम से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि पश्चिमी सिंहभूम में जितने उम्मीदवार हैं उसमें कौन योग्य उम्मीदवार है। हमारे समय से पार्टी को निश्चित सर्वे करानी चाहिए, पार्टी को जनता के बीच जा करके, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। जनता जब तक नहीं चाहेगी कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। तो जनता किसको चाहती है ये पार्टी को सोचना है।
अगर पार्टी ये दायित्व तो देगी हमें, पार्टी हमको जो के समझेगी, पार्टी टिकट देती है, और मैं अगर पश्चिमी सिंहभूम को विधानसभा को नेतृत्व करता हूँ, मुझे अगर नेतृत्व करने का मौका मिला, तो मेरा जीवन का मात्र एक उद्देश्य होगा कि बस्ती में रहने वाले लाखों जो लोग हैं इनके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए। मेरा यही मिशन होगा, मेरा यही गोल होगा कि इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मूलभूत सुविधा शौचालय, हर घर में शौचालय हो, हर घर में पानी पीने के लिए नल हो, हर घर में बिजली हो, ये जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं। हर परिवार के घर के ऊपर छत हो, ये इतना अगर हम लोग सुनिश्चित करें तो हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, इससे बड़ा और कोई वो सपना का साकार होने का दिशा नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं। बाकी पार्टी को सोचना है कि टिकट किसे देगी नहीं देगी, वो पार्टी समझे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं जी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि आपका मानना है कि एवरी चाइल्ड स्पेशल, एवरी फैमिली स्पेशल, और सबको आप स्पेशली ट्रीटमेंट करते हैं डेवलपमेंट के लिए बराबर, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जनप्रतिनिधि चुनने के समय ये जरूर देखिए कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा है, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, और जनप्रतिनिधि वो चुने तो चुनने के समय पहले ये देखें कि जो पुराना जनप्रतिनिधि है वो 5 साल क्या काम किया। जनता को ये पूछने का अधिकार है चुनाव के दौरान, ये उनको अधिकार है कि वो पूछें उस जनप्रतिनिधि से कि आप ऐसा कौन सा उल्लेखनीय कार्य किए हैं 5 साल, उसका ऑडिट करें कि हम आपको वोट दें तो क्यों दें। और अगला जो जनप्रतिनिधि आने वाला है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 5 से 10 कैंडिडेट उनके सामने हैं, तो सब कैंडिडेट का विचार लें कि आप बनेंगे तो क्या करेंगे, आप बनेंगे तो क्या करेंगे, ये जनता को अधिकार होना चाहिए। आप देखिए फॉरेन में एक नेता चुनने के लिए लगातार डिबेट होता है, आपस में कंपटीशन होता है विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। इसके चलते जनता की अकाउंटेबिलिटी, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। मेरा मानना है कि जिस दिन नेता की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, जिस दिन जनता उनको अकाउंटेबल बनाने लगेगा, प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप उस दिन सामने आएगा जनता के सामने, और उस दिन देखिएगा कि डेवलपमेंट की नई किरण बनेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने बहुत बड़ी मुहिम खासकर खेल से शुरुआत राजनीति की है, और खेल युवाओं की सबसे प्रिय और सबसे कंसर्न विषय है, तो ये जरूर आपको, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में माइलेज प्रदान करेगा। नमस्कार।